गोवा में समुद्र के किनारे सागर नाम का एक लड़का उदास मन से रेत के घर बनाता और तोड़ देता, फिर बनाता फिर तोड़ देता। उसे ऐसा करते देख डेविड नाम का एक आदमी बोला, ए लड़के यहाँ से हट जा, हमें यहाँ पर नए साल की तैयारियाँ करनी है, जल्दी हट। सब सुन लो, यहाँ से वहाँ तक सभी सजावट जल्दी जल्दी करनी है। ये नया साल क्या होता है अंकल? तुझे नया साल नहीं पता? नया साल यानी कि न्यू ईयर। कल रात हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आता होगा नए साल के जश्न में। अंकल नए साल में प्रवेश करेंगे, मैंने तो कभी भी नया साल नहीं मनाया, क्या मैं भी आपके साथ नए साल का जश्न मना सकता हूँ? गरीब बेसहारा दिखाई पड़ता है, अपने पास ही रोक लेता हूँ, मेरी मदद भी हो जाएगी और नए साल का जश्न भी देख लेगा तो मेरा क्या जाएगा। देख, ये हो सकता है कि मैं तुझे नए साल का जश्न देखने की इजाजत दे दूं, पर मेरी एक शर्त है, बदले में तू सारे झूठे बर्तन साफ करेगा और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद झूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाकर लाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं सारा काम कर दूंगा। सागर देखता है समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी सुंदर सी सजावट वाली झोपड़ियां तैयार हो रही हैं। रात के वक्त वहाँ लोग अपने अपने परिवारों के साथ आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। लाइट, रोशनी, संगीत, खाना पीना, डांस, शोरगुल में सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर सागर सोचता है, सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अगर ये सब नए कपड़े पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? सागर तुझे यहाँ काम पर रखा है ना, चल देख लेना नए साल की पार्टी। आप कुछ देर में जब सब लोग चले जाएंगे, सारे झूठे बर्तन उठाकर ले आना और अच्छे से धोना, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से। डेविड अंकल, ये नए साल की पार्टी अभी और कितने दिन चलेगी? अभी कुछ दिन और चलेगा नए साल का जश्न। फिर तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ ना डेविड अंकल? काम करता रहे, मुझे क्या दिक्कत होगी। चल अब बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अगले दिन सागर फिर नए लोगों को पार्टी में धूम मचाते देखता है। अब वो भी उन सबके बीच जाने की कोशिश करता है, पर वो जब अपने कपड़ों को देखता तो यही सोचता, मेरे कपड़े तो गंदे और फटे हुए हैं। बहाने से ये कोल्ड ड्रिंक ले जाता हूँ और कुछ देर मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। नए साल के जश्न में लोगों को झूमता देख सागर अपने कदम नहीं रोक पाता, वो बहाने से वहाँ पहुँचता है। तभी भीड़ में उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है। एक आदमी उसे लात मारकर गुस्सा करने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया, ये इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है? अब क्या हुआ सर? ऐसे लड़कों को नौकरी पर रख लेते हो जिन्हें काम तक नहीं करना आता, ऐसे नौकरों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए, अगर ये नौकर दोबारा मुझे यहाँ दिख गया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप गुस्सा मत हो, ये सर मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए यदि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो। चल निकल यहाँ से, आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चल भाग यहाँ से। गलती हो गई डेविड अंकल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, तेरी वजह से मेरा नुकसान होगा तो तू भरपाई करेगा क्या? सागर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और दूर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगता है। सागर एक बार फिर डेविड के पास माफी मांगने जाता है। डेविड अंकल, मैं वादा करता हूँ आप कभी भी गलती नहीं करूँगा, माफ कर दो डेविड अंकल। लेकिन डेविड
उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सागर मायूस और निराश हो जाता है। इस बात को पूरा एक दिन बीत जाता है। काश मैं उस पार्टी में शामिल ही ना होता। मुझे नया साल मनाने का कोई हक नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है। मुझे माँ बाबा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सागर बेटा, आज ये दाल चावल खा ले, कल मैं तेरे लिए कोई अच्छी सब्जी बना दूंगी। माँ, तुम मुझे रोजाना झूठ बोलकर ये दाल चावल खिला देती हो। आज खा रहा हूँ, कल दोबारा मत बोलना। सागर, तू जानता है तेरे बाबा थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, जिससे एक वक्त का खाना बनता है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं खूब पैसे कमा कर लाऊंगा माँ। माँ बाबा, मैं आपको बिना बताए पैसे कमाने आ गया था। मैंने सोचा था ये नौकरी मिल गई है, अब पैसे जुड़ जाएंगे, पर मेरे से भूल हो गई माँ। मैं अपने आप से किया वादा नहीं निभा पाया। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा समुद्र में डूब रहा है। बचाओ मम्मी डैडी, बचाओ बचाओ मम्मी डैडी बचाओ। ये किसका बच्चा है? अरे वो सामने, वो बच्चा समुद्र की लहरों के बीच डूबता जा रहा है। रुको बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सागर को तैरना आता था, इसलिए उसने बच्चे को बचा लिया और किनारे पर ले आया। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? पेट में पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है, अब होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गॉड ब्लेस यू बेटे। तुम तो वही हो जिस पर कल मैं चिल्लाया था और नौकरी से निकलवा दिया था। ओह आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैनेजर, सागर की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी। सागर एक होनहार लड़का है, इसे मेरे कहने पर दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। सर, सागर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अब मेरे पास ही रहेगा। मुझे पता है सागर एक बहुत ही होनहार बालक है। सागर, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। शुक्रिया आंटी, मुसीबत में किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। सचमुच तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं बेटे, और इन्हीं संस्कारों की बदौलत देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। सागर खुश हो जाता है। डेविड सागर को दोबारा नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे सागर की मेहनत और ईमानदारी देखकर डेविड सागर को गोवा में अपने दूसरे होटल की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। सागर खुशी खुशी पैसे कमाकर छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। सागर, मेरे बच्चे, तू कहाँ था इतने दिन? तेरी माँ का तेरे बिना बुरा हाल है। वही मंदिर में बैठी भगवान से तेरी सलामती की प्रार्थना कर रही होगी। माँ देखो, मैं आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ। ये तो मेरे सागर की आवाज है। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को बिना बताए? माँ बाबा, मैं आपके लिए नए साल की खुशियाँ लेने गया था। मैं जहाँ रहता हूँ अब आप दोनों भी मेरे साथ रहोगे। सागर अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन सचमुच सागर अपने माता पिता के लिए नए साल की खुशियाँ ढूंढ कर ले आया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।